हेलो, मैं मधु। मैं एक ट्विन फ्लेम डिवाइन मास्कुलिन, और आज मैं एक टॉपिक शेयर करना चाहता हूँ कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में कोर है, कि हमेशा आप अगर कहीं से भी सुनेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आता है कि ट्विन फ्लेम को अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको अनकंडीशनल लव मैनिफेस्ट करना रहता है, राइट? तो आप कहीं पे भी सुनिए, कि कहीं से भी इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए कोशिश करिए, तो आपको यही एक बेसिक चीज़ अचीव करना रहता है कि आप किस तरह से कॉन्स्टेंटली अनकंडीशनल लव आपके दिल में मैनिफेस्ट कर सके। तो उसी को ही इनर यूनियन बोलते हैं, कि जिस टाइम पे आप पूरा अनकंडीशनल लव से भरे हैं अपने दिल के अंदर, और उसी मोमेंट पे ही आपके ट्विन फ्लेम का हारमोनियस यूनियन होता है। ये एक्चुअली ट्रूथ है, ओके? तो अगर आपको कहीं लगता है कि नहीं, मैं अनकंडीशनल लव में हूँ अंदर और फिर भी ट्विन फ्लेम नहीं है, तो मैं ये बोलूँगा कि कहीं आप कहीं नंब आउट तो नहीं हो रहे। नंब आउट मतलब आप आपके ट्रू फीलिंग्स को एक्सेस नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ बोल रहे हैं कि है ना, कि ठीक है, मतलब मैं सारा फीलिंग्स और ये सब फील करने से अच्छा है कि मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस चला जाऊँ। तो आप वो कर सकते हैं, ओके? दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके, क्योंकि आपका चॉइस सबसे ज़्यादा पावरफुल है। जो आप चूज़ करोगे वही आपके साथ होगा। यूनिवर्स कभी भी आपके फ्री विल के अगेंस्ट में जाके आपके लाइफ में कुछ और करने की कोशिश नहीं करते हैं, राइट? तो गॉड पावरफुल है, लेकिन गॉड ने फिर भी आपको आपका फ्री विल दिया है कि जो आप चूज़ करोगे वही आपके लाइफ में होगा। जिस दिन आप आपके डिविनिटी को चूज़ करोगे, जो आपका हायर सेल्फ है उसको चूज़ करोगे, तो उसी दिन आपका असेंशन का पहला स्टेप स्टार्ट होता है, ओके? और वो स्टेप में का हर एक प्रोसेस रहता है कि हर एक स्टेप में आप किस तरह से अनकंडीशनल लव को एम्बॉडी कर सकते हैं। एम्बॉडी मतलब क्या होता है? एम्बॉडी मतलब ये होता है कि आप कॉन्स्टेंटली कोई भी सिचुएशन की वजह से, बाहर की कोई भी सिचुएशन की वजह से, आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका डायरेक्ट कनेक्शन होता है यूनिवर्स के साथ, और यूनिवर्स का जो एनर्जी होता है वो लव एनर्जी है ना। गॉड इज़ लव, राइट? तो इसीलिए बोलते हैं कि आप जितना उस एनर्जी के साथ कनेक्ट हो पाओगे, तो आप इस धरती के या ये 3D का जो स्ट्रगल है, जो सफरिंग है, जो भी सिचुएशन है, उससे आप असेंड हो जाते हो, और आप वो हमेशा के लिए वो ब्लिस, जॉय एंड हैप्पीनेस में रहते हो। आपको वो कोई बाहर की चीज़ें होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप अंदर ही उस एनर्जी के साथ यूनियन में हो, और आपको अंदर से वो सारा इमोशंस फील हो रहा है, जो पॉजिटिव इमोशंस होते हैं, जो एक्चुअली हायर वाइब्रेशन के इमोशंस होते हैं। उसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता है। और जब आप उस स्टेट में रहते हैं तो हमेशा ये होता है कि वो एक कम्प्लीशन स्टेट है, राइट? दैट्स अ स्टेट ऑफ कम्प्लीशन। तो आप कभी भी मतलब आपके ट्विन फ्लेम के बिना कंप्लीट नहीं होते हो, राइट? मतलब कंप्लीट मतलब आपके अंदर कंप्लीट हो, ये मतलब है कि जब आप असेंड कर रहे हो तो आपके अंदर इतने कैपेबिलिटी है कि आप वो खुद कर सकते हो। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि जब यूनियन की बात आती है, जब फुल लिबरेशन की बात आती है, तब जो पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव पोलैरिटी है, या जो फेमिनिन एंड मास्कुलिन है, वो जो कंप्लीशन स्टेट अगर करने का अचीव है सोल लेवल पे, तो उस स्टेट को पाने के लिए, वो फुल एक्सपीरियंस लेने के लिए, क्योंकि जब आप आपके ट्विन फ्लेम के साथ रहोगे, तो अगर आप फेमिनिन हो तो आपकी फेमिनिन के एक्सपीरियंसेस के साथ साथ आप ये भी देखोगे कि आपके मास्कुलिन किस तरह से एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ को, तो आपको दोनों डायमेंशन देखने को मिलता है। तो मैं उस लेवल का कंप्लीशन बोल रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप फेमिनिन हैं या आप मास्कुलिन हैं, अगर आपको लाइफ में जो भी चाहिए आप वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन ये एक अंदर का डिज़ायर है कि आप आपके ट्रू लव को मैनिफेस्ट करते हो, राइट? ये तो हर किसी को पता है आज के 3D लाइफ में, कि चलो पैदा हो गए, स्कूल जाओ, फिर जॉब करो, फिर शादी करो, है ना? शादी करना वो एक कंपल्सन है कि ये उम्र हो गई है, अभी शादी करो, नहीं तो बच्चे कैसे होंगे। तो उस फ्लो में आप कभी भी जा सकते हो, लेकिन जो आपका सोल का डिज़ायर है, अगर आप में वो हमेशा से रहा है कि आप आपके अंदर के गाइडेंस को फॉलो करते हो, है ना, कि आपको जो अच्छा लगता है आप उसको करते हो, तो वो चीज़ जो जो सोल में रहता है,
तो वो कभी भी यू नो ये सांसारिक जीवन से बंध रहने की ये नहीं रहते, तो इसलिए वो कॉन्स्टेंटली सिचुएशन अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए वो ट्विन फ्लेम को ही अट्रैक्ट किए हैं, राइट। क्योंकि अगर आपने ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट किया है तो अपना आपके डीप अंदर डिज़ायर है कि आप फुल लिबरेशन चाहते हो, नहीं तो आप कभी भी आपके ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट ही नहीं करते, राइट। लेकिन ये है कि एक बार आपने अट्रैक्ट किया तो उसके आगे का रास्ता जो है वो भी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने अट्रैक्ट कर दिया अब जो चाहे वो होगा, नहीं, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि अभी आपका सोल कौन से वाइब्रेशन पे है, राइट, और अभी आपके चॉइसेस कहाँ पे है। तो आपको अगर फुल अनकंडीशनल लव के एनर्जी में आना है तो आपको कौन कौन से चॉइसेस लेने हैं अपने लाइफ में, राइट। तो ऐसा मैंने बहुत बार ऐसे लोगों को मिसअलाइनमेंट ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि अनकंडीशनल लव मतलब हम सिर्फ अपने ट्विन फ्लेम के लिए अनकंडीशनल लव फील करते हैं, एंड दैट्स व्हाट इट इज़। और फिर अगर हम आप किन्ने रियल लाइफ में देखें तो आपने चारों तरफ है ना अपने कार्मिक भरे हैं, अपने रिलेटिव्स भरे हैं, वो लोग अपने आपके लाइफ में काफ़ी सारा हड़बड़ी ड्रामा वो सब कर रहे हैं, राइट। तो ये अनकंडीशनल लव का स्टेट नहीं है, क्योंकि आपको आपके ट्विन फ्लेम को प्यार करने के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप आराम से रिलैक्स होगे अपने आप में तो आप नेचुरली आपके ट्विन फ्लेम के साथ ही कनेक्ट होगे, क्योंकि आप वो हो, राइट। तो ये एक सिर्फ एक इल्यूजन है कि आपको आपके ट्विन फ्लेम के लिए कुछ करना पड़ेगा, नहीं, आपको आपके ट्विन फ्लेम के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आपका ट्विन फ्लेम जो आपको मिरर कर रहे हैं कि अगर कोई सिचुएशन के आपकी रियलिटी में है, क्योंकि जो आपकी रियलिटी है वो आपके अंदर का स्टेट का एक एक्सप्रेशन है, राइट। तो आपके चारों तरफ आप अगर कुछ भी रियलिटी देख रहे हो, कि हो सकता है कि आप शादी में हो, या तो फिर हो सकता है आपकी शादी नहीं हुई है लेकिन आप आपके पेरेंट्स के साथ भी फ्री नहीं हो, राइट। बहुत सारे ऐसे सिचुएशन होता है कि चाइल्ड अब्यूज़ हुआ रहता है और फिर भी आपको उसी सिचुएशन में कंटिन्यू करना पड़ता है, क्योंकि आप क्या करोगे आपको समझ में नहीं आता है। या तो फिर हो सकता है कि आप ऐसे रिलेशन में हो, आपको लगता है आपको अंदर से डिज़ायर है कि ट्विन फ्लेम है, लेकिन रियल लाइफ में ट्विन फ्लेम की कुछ भी यू नो सिचुएशन नहीं हो रहा है, कॉन्स्टेंटली आप सिर्फ ऑब्सेशन में रह रहे हो, लेकिन वो जो लव चीज़ जो होता है वो नहीं एक्सपीरियंस हो रहा है। तो अगर ये सारा चीज़ है बाहर आपके रियल लाइफ में और आप सिर्फ अंदर बोल रहे हो कि आप अनकंडीशनल लव में हो, तो एक सिचुएशन होता है कि एक बार देखिए, क्योंकि अगर आपके अंदर अनकंडीशनल लव है, जिस दिन आप मैंने बोला कि आप कनेक्ट होते हो, तो नेचुरली ये होता है कि आप जिसके जैसे आपका वाइब्रेशन हाई होता है, नेचुरली आपकी रियलिटी भी चेंज होती है, आपकी रियलिटी शिफ्ट होती है। नो दैट्स द नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ द यू नो यूनिवर्स, कि जैसे आप अंदर हो वैसे ही आपका बाहर होता है, ओके। अगर सिचुएशन ये नहीं है कि आप डुअलिटी में जी रहे हो, कि बाहर आप एक अच्छा सा मुखौटा पहन के सबको खुश रख रहे हो और लेकिन जैसे ही आप अंदर अपने आप कनेक्ट होते हो तो आपको सिर्फ अकेलापन, दुख और रोना आ रहा है, राइट। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आपका एक्सपीरियंस, आप खुद के साथ कनेक्ट होके खुद के साथ ऑनेस्टली पूछिए, क्या सच में आप अंदर से खुश हैं, सच में आप पीसफुल हैं, है ना। क्योंकि जिस दिन आप वो एक्सपीरियंस करते हैं आपका रियल लाइफ डेफिनेटली चेंज होता है। मेरा चेंज हुआ है, इसलिए मैं उस बेस पे बोल रहा हूँ। यू नो नॉट ओनली कि ट्विन फ्लेम के जर्नी पे, मैं अगर अपने बचपन से भी कनेक्ट जैसे कर रहा हूँ कि जो नेचुरल फेनोमिनन के साथ जैसे जैसे मैंने चॉइसेस लिए थे तो मुझे मेरे लाइफ में किस तरह से चेंजेस आया था, तब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे हो रहा है, लेकिन आज मुझे वो प्रैक्टिकली पता है कि क्या करने से वो हो रहा है, तो मेरे लिए फिर वो मैनिफेस्ट करना फास्ट हो रहा है, क्योंकि अब मुझे पता है कि कैसे करना है, वो चेंजेस कैसे लाने हैं, किस तरह से हील करना है। तो ये प्रोसेस है कि जिस तरह से आप हीलिंग चूज़ करोगे, आपके अंदर अनकंडीशनल लव चूज़ करोगे, वो आपकी रियलिटी में दिखेगा और ऐसा सिचुएशन आएगा कि रियली आपका रियल लाइफ और आपका अंदर का लाइफ एक होता है, राइट। तो जब आप हारमोनियस यूनियन में जाओगे तो आपको हारमोनियस यूनियन सब जगह पे मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ आपके ट्विन फ्लेम, इसलिए बोलते हैं कि आपका ट्विन फ्लेम जो होता है वो आपके पूरे केक में एक चेरी जैसे होता है, राइट। कि आपने पूरा दुनिया आपका सजा दिया अपने पावर से, अपने हीलिंग से, और आपके ट्विन फ्लेम तो आप ही के साथ रहेंगे, क्योंकि वो तो वही दुनिया चाहते हैं जो आप चाहते हो।
वो नेचुरल है, क्योंकि जैसे जैसे आप चूज़ करोगे वैसे वैसे आपके ट्विन फ्लेम चूज़ करते जाते हैं। एंड अनकंडीशनल लव इज़ द वाइब्रेशन जहाँ पे आपको पहुँचना है। और इट्स अ सिंपल लव योर सेल्फ थ्रू मिरर एक्सरसाइज। लव योर सेल्फ, आपको मेरे साथ कनेक्ट होके काम करना है, कनेक्ट विथ मी, बट फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर हीलिंग, फोकस ऑन योर ट्विन फ्लेम हारमोनियस यूनियन। एंड जैसे ही आपका एनर्जी आप उस डायरेक्शन में लेते हो, नेचुरली उस डायरेक्शन में मैनिफेस्टेशन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जब आपकी एनर्जी आपका फोकस जहाँ पे रहता है वहाँ पे एक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। आप ट्राई करके देखिए। थैंक यू।